गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाटा पंच को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए लगभग 3 साल होने वाले एंड सिर्फ ही 3 सालों में इस माइक्रो एसयूवी को इंडिया में बहुत सारे लोगों ने अपनाया एंड इसी वजह से गाड़ी मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार लिस्ट के नंबर 1 पोजीशन पर रहे। सो अगर आप इस फेमस माइक्रो एसयूवी का एएमटी ट्रांसमिशन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए होने वाला है। आज हमारे पास इस गाड़ी का एडवेंचर एएमटी वेरिएंट जो कि इस गाड़ी का स्टार्टिंग वेरिएंट है जिसमें आपको एएमटी ट्रांसमिशन ऑफर किया जाता है, वरना इसके नीचे वाले सभी वेरिएंट में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता। वही बात करें प्राइसिंग की तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट की एक्सशोरूम प्राइस है 7,60,000। वही बात इंजन की, इस गाड़ी में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो प्रेस करते हैं 87 bhp 115 nmf टॉर्क। सो आज हम इस गाड़ी का डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड अगर इस चैनल पर नए तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना ताकि आपको रोज ऐसे बड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। सो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। की तो यहाँ पर आपको ना अपने फ्लिप की मिलते हैं जिसमें यहाँ पर आपको जो अपने फ्रंट में 3 बटन मिलते हैं, पहले अपने गाड़ी को लॉक करने का, दूसरा अपने गाड़ी को अनलॉक करने का एंड अपना मिड में जो बटन मिलता है वो अपना फॉलो मी हेडलैम्प्स का। नीचे आपको जो अपने नॉर्मल से की देखने को मिल जाती है जो कि अपने दूसरे वाली की है वो आपको यहाँ पर जो है नॉर्मल से देखने को मिल जाती है, जिसमें फ्रंट में ना यहाँ पर आपको जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा ना अपना टाटा का लोगो मिलता है, वही इसकी में ना यहाँ पर आपको जो है काफ़ी छोटू सा टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की तो फ्रंट में यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपनी ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलती है, देन मिड में यहाँ पर आपको जो अपना टाटा का लोगो मिलता है जो कि अपना 3D फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पर अपने हॉर्न की प्लेसमेंट, ग्रिल में यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरह का अपना डिजाइन देखने को मिल जाएगा। मिड में अपने नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, यहाँ पर अपनी रेडिएटर ग्रिल जो कि अपने मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ आते हैं एंड यहाँ पर आपको जो साइड भी अपनी फॉग लैंप्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको जो है फॉग लैंप्स वगैरह नहीं मिलते बट इसको आप शोरूम से लगा सकते हो। हेडलैम्प्स की बात की तो यहाँ पर कुछ हेलोजन बेस अपने हेडलैम्प्स मिलते हैं एंड वही ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको जो अपने पार्किंग बल्ब मिलता है जो कि अपना हेलोजन बेस है एंड वही साइड इंडिकेटर्स जो है वो आपको यहाँ पर जो है हेलोजन बेस देखने को मिल जाते हैं। वही हेडलैम्प की साइड में यहाँ पर कुछ अपनी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि एरोडायनामिक्स को बढ़िया करने के लिए दे रखे। देन बात की इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तो साइड में यहाँ पर कुछ सबसे पहले इस गाड़ी में व्हील्स की बात करते हैं तो इस गाड़ी में सबसे पहले यहाँ पर कुछ अपने 15 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं जिसके टायर साइज है 185/70R15। सो यहाँ पर कुछ 15 इंचेस के अपने स्टीरिंग्स मिलते हैं एंड उसके ऊपर यहाँ पर कुछ अपने ग्लॉसी ब्लैक कलर के व्हील कैप्स देखने को मिल जाते हैं। रेयर में आपको जो है अपने ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, वही फ्रंट में वहाँ पर आपको जो अपने डिस्क ब्रेक्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ इंटीग्रेटेड अपने डोर हैंडल्स मिलते हैं रेयर में, वहाँ पर आपको जो अपना नॉर्मल सा एंटीना मिलता है। देन बी पिलर जो है वो आपको मैट ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ मिलते हैं एंड वही ए पिलर जो है आपको बॉडी कलर के फिनिशिंग के साथ मिल जाते हैं। ओवर एम्स की बात करें तो वो भी आपको जो है बॉडी कलर फिनिशिंग के साथ मिलते हैं, साथ साथ इसमें आपको जो है इंटीग्रेटेड साइड इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि अपने LED में। नीचे आपको जो है कोई भी अपना कैमरा वगैरह नहीं मिलता है एंड वही डोर हैंडल्स की बात करें तो आपको जो है अपने बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं जिसमें यहाँ पर आपको जो अपना रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह देखने को नहीं मिलता है एंड वही ओवर एम्स को आपको ना इस तरीके से अपना मैनुअली फोल्ड एंड अनफोल्ड करना पड़ेगा। बात करें इस गाड़ी के रियर की तो रियर में सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था आपको नॉर्मल सा एंटीना मिलता है, यहाँ पर आपको जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको जो रियर डिफॉगर है वाइपर दोनों ही नहीं मिलते हैं। मिड में आपको टाटा का लोगो मिलता है, नीचे आपको जो अपना रिवर्स कैमरा देखने को मिल जाएगा जिसकी कैमरा क्वालिटी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। यहाँ पर अपनी पंच की बैजिंग, ये अपने नंबर प्लेट की प्लेसमेंट जिसमें यहाँ पर आपको जो अपनी LED नंबर प्लेट लाइट मिलते हैं जो कि ना काफी बढ़िया बात है एंड सेफ्टी के लिए यहाँ पर कुछ दो अपने रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो है वो दे रखे। यहाँ पर अपने रियर रिफ्लेक्टर्स एंड नीचे आपको जो इस गाड़ी की रिवर्स लैम्प देखने को मिल जाएगी। टेल लाइट की बात की जाए तो यहाँ पर कुना हेलोजन बेस अपने टेल लाइट मिलते हैं जिसमें आपको जो यहाँ पर ब्रेक लाइट मिलते हैं, वही आपको जो साइड इंडिकेटर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एंड वही यहाँ पर आपको जो इस गाड़ी की रिवर्स लैम्प देखने को मिल जाएगी। सो अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर में ना सबसे पहले यहाँ पर आपको जो मैट ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलते हैं, यहाँ पर आपको जो अपनी सिल्वर कलर की फिनिशिंग मिलती है एंड नीचे आपको जो अपनी ग्रीनिश कलर की थोड़ी बहुत फिनिशिंग मिल जाती है। देन अगेन यहाँ पर आपको जो ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलती है जो कि ना दिखने में काफी बढ़िया लगती है एंड यहाँ पर आपको जो ओवरऑल अपना यही कॉम्बिनेशन मिलता है एंड साथ साथ यहाँ पर आपको जो अपने AC के वेंट्स में आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिल जाती है। वही बात करें डोर पैनल्स की तो यहाँ पर आपको जो है मैट ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलती है। अंदर के डोर हैंडल्स में यहाँ पर आपको जो ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलती है। ये अपने ट्विटर की प्लेसमेंट, ये अपने चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स एंड यहाँ से अपने जो ORVM से उन्हें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो अपनी ग्रीनिश कलर की फिनिशिंग मिलती है जो कि आपको सेम इस गाड़ी के इंटीरियर में मिलती है, मतलब डैशबोर्ड में मिलती है। नीचे आपको जो है स्टोरेज के लिए जगह दे रखी है एंड यहाँ पर अपनी स्पीकर की प्लेसमेंट, ये अपना मोड सिलेक्टर एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी अपने बटन्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं एंड वही नीचे आपको जो है एक प्रॉपर डेड पेडल जो है वो देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी बढ़िया बात है एंड यहाँ से अपने जो बोनट है उसको आप ओपन कर सकते हो। वही आपको जो है अपने राइट साइड के AC के वेंट्स है वो आपको यहाँ पर जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ मिलते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपना फ्लैट बॉटम वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है। मिड में आपको टाटा का लोगो मिलता है, दोनों साइड यहाँ पर आपको जो है अपने ग्रेस कलर की फिनिशिंग मिलती है जो कि दिखने में काफी बढ़िया लगती है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको जो अपने स्टीरियो के कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे एंड वही राइट साइड में यहाँ पर आपको जो कोई भी अपने कंट्रोल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते एंड वही बात करें इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की तो यहाँ पर आपको जो सिर्फ अपना TLT मिलता है, यहाँ पर आपको जो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती। लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको जो वाइपर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं, वही राइट साइड में यहाँ पर आपको जो अपने हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिलते हैं एंड साथ साथ इसी में आपको यहाँ पर जो है अपना हेडलाइट लेवलर भी जो है
वो अपना देखने को मिल जाता है। बात करें इस कार्ड के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर ना इसको मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आपको जो अपना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें मिड में यहाँ पर आपको जो अपनी छोटी सी MID मिलती है, जिसमें आपको जो है काफी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि अपना स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेशन, टाइम, मोड, डिस्टेंस टू MT, वो आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर आपको जो अपना ओडोमीटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड वही ना आपको इसको चेंज करना है तो यहाँ से ना आप इसको चेंज कर सकते हो, मतलब यहाँ पर ना टेम्परेचर दिखा रहा है, यहाँ पर आपको जो एवरेज देखने को मिल जाएगी। एंड वही बाकी सारी आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। एंड वही इस बटन के थ्रू ना अपने जो है इल्यूमिनेशन को आप चेंज कर सकते हो। साइड में आपको जो है बैटरी एंड ऑयल वगैरह के इंडिकेशन मिल जाते हैं। राइट साइड में यहाँ पर आपको जो अपना फ्यूल गेज देखने को मिल जाएगी, ऊपर आपको जो है अपना टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा। एंड वही लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको जो अपना डिजिटल RPM मीटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो इस गाड़ी का अपना स्टीरियो देखने को मिल जाएगा, जो कि अपना हरमन का है। एंड वही रिवर्स कैमरा की क्वालिटी की बात की जाए तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। पर आपको जो है रिवर्स कैमरा की क्वालिटी अपनी कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। करंटली ना सेंसर्स काफी शोर कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ना काफी क्लोजली पार्क है तो उस वजह से ना वो काफी शोर कर रहे हैं। बट यहाँ पर आपको जो कैमरा क्वालिटी अपने कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है, जिसके मदद से आप अपनी गाड़ी को आराम से रिवर्स कर पाओगे। वही बात करें इसके टच रिस्पांस की, तो यहाँ पर आपको जो काफी डिसेंट सा अपना टच रिस्पांस देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आपको जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह के फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड वही यहाँ से अपने जो वॉल्यूम है उसको आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर आपको जो नॉर्मल अपने फीचर्स होते हैं, जैसे कि रेडियो, USB वगैरह, वो आपको यहाँ पर जो देखने को मिल जाते हैं। आपको जो है 2 AC के मैट्स मिलते हैं, जिसमें आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलती है। यहाँ पर अपना हेजर लाइट का बटन, एंड वही आपको जो है वहाँ पर भी अपना एक AC का वेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी। ग्लोव बॉक्स की बात की जाए तो ग्लोव बॉक्स में ना यहाँ पर आपको जो है काफी अपना डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है। एंड वही आपको जो है यहाँ पर जो है कोई भी अपनी लैब वगैरह देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर अपने इसके कंट्रोल्स, जिसमें यहाँ पर आपको जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर ना आपको इस तरीके से इसके स्पीड को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो, मतलब इसके ब्लोअर के स्पीड को आप यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ से इसके टेम्परेचर को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। आपको 12 वॉट का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, यहाँ पर आपको जो USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड स्टोरेज के लिए थोड़ी बहुत जगह दे रखी है। देन यहाँ पर इस कार का गियर नॉब, जो कि दिखने में काफी प्रीमियम सा लगता है, मतलब यहाँ पर आपको जो है अपनी क्रोम कलर की फिनिशिंग मिलती है, नीचे आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। काफी सिंपल टू यूज है, मतलब यहाँ पर आपको जो है रिवर्स न्यूट्रल में अपना ड्राइव का मोड मिल जाएगा, जिसको आप ना यहाँ से ना अपनी गियर शिफ्टिंग को मैन्युअली भी डाल सकते हो, मतलब आपको इस तरीके से इसको स्लाइड करना है एंड अपनी जो गियर शिफ्टिंग है उसको आप मैन्युअली भी डाल सकते हो। रियर में यहाँ पर आपको जो एंड्रेक मिलता है, एंड ट्विन का होल्डर देखने को मिल जाता है, आर्मरेस्ट वगैरह आपको यहाँ पर जो है देखने को नहीं मिलता है। तरफ यहाँ पर आपको जो है टिकट होल्डर मिल जाएगा, हेलोजन बेस कैबिन लाइट मिल जाएगी, डे एंड नाइट वाला IR व्यू मिल जाएगा। एंड वही लेफ्ट साइड में एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। सो ये तो बात होगी इस गाड़ी के फ्रंट के, बढ़ते इस गाड़ी के रियर की तरफ। सो अब मैं आ चुका हूँ इस गाड़ी के रियर में। रियर में सबसे पहले बात करते हैं लेग रूम की, तो यहाँ पर आपको जो है काफी अपना बढ़िया लेग रूम जो है वो देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट की सीट है जो मैंने नॉर्मल एडजस्ट किया है, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं नॉर्मल इसको ना एडजस्ट करता हूँ, मतलब ज्यादा आगे नहीं करता, ना ही मैं इसको ज्यादा पीछे करता हूँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट करता हूँ। एंड उसके बाद जो है मुझे जो है कुछ इस तरह का अपना स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। ड्राइवर साइड में यहाँ पर आपको जो है मैगजीन होल्डर मिलता है, वही को पैसेंजर साइड में भी यहाँ पर आपको जो है मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाएगा। सो अब बात करते हैं इस गाड़ी के डोर पैनल्स की, तो डोर पैनल में यहाँ पर आपको जो सबसे पहले मैट ब्लैक कलर की अपनी पूरी फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो थोड़ी बहुत अपनी ग्रीनिश कलर की फिनिशिंग मिलती है। अंदर के डोर हैंडल्स जो है वो आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ मिलते हैं। यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट, यहाँ पर अपने रियर पावर विंडोज के बटन, एंड नीचे आपको जो है स्टोरेज के लिए जगह दे रखी है, एंड यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट। देन मिड में यहाँ पर आपको जो अपने स्टोरेज की जगह मिल जाएगी, मतलब यहाँ पर अपने जो मोबाइल है उसको आप रख सकते हो। एंड वही बात की इस गाड़ी के रियर की, तो रियर में सबसे पहले यहाँ पर आपको जो अपने दो एडजस्ट मिलते हैं, जो कि अपने दोनों ही फिक्स हैं। एंड यहाँ पर आपको कोई भी अपना आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। वही बात की इस गाड़ी की सीट्स की, तो यहाँ पर आपको ना पूरी अपने ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ काफी बढ़िया सीट्स जो है वो देखने को मिल जाती है। सो अब बात करते इस गाड़ी के बूट स्पेस की, तो यहाँ पर ना आपको एक छोटा सा बटन मिलता है, जिसको दबाने के बाद अपना जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर कुछ पार्शियल ट्रे देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पर आपको 366 लीटर्स का अपना बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। दोनों ही साइड आपको जो है कोई भी अपने लैंप वगैरह नहीं मिलते हैं। एंड वही बात किया इस गाड़ी के स्पेयर व्हील की, तो उसको हम देखते हैं कि आपको यहाँ पर जो है कितनी इंचेस का अपना स्पेयर व्हील मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो 185/70R15 का अपना स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा। जो टाटा ने कोई भी अपनी कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं की है, सेम आपको जो है इसी इंचेस के, मतलब इसी साइज के अपने स्टीयरिंग रिम्स इस गाड़ी के एक्सटीरियर में मिलते हैं। सो वही आपको जो है इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों करते हैं अपने इस वीडियो को यही पर एंड। अगर आपको वहां से ना आपको टाटा की किसी भी गाड़ी को परचेस करना, तो आप SP मोटर्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिनकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।